नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। विधानसभा बैरिया के घोषित भाजपा प्रत्याशी आनंद स्वरूप को टिकट मिलने के उपरांत बुधवार को हल्दी से बैरिया तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पे भव्य स्वागत किया। अपने स्वागत से अभिभूत आनंद स्वरूप शुक्ला ने लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि पूज्य योगी जी महाराज व मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश व देश का चौतरफा विकास हो रहा है। गुंडा माफिया गैंगरेप के अपराधी सब जेल में हैं या प्रदेश के बाहर हैं। योगी जी का बुलडोजर ऐसे माफियाओं की जब्त की गई जमीन पर बनाए गए अलीशान बिल्डिंग को तोड़कर उस पर गरीब को आवास बनाकर दिया जा रहा है। प्रदेश में माँ बहन व बेटियां पूर्णतः सुरक्षित हैं। श्री शुक्ला ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बलिया सदर के स्थान पर बैरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। मैं आप सबका सहयोग इसने का आकांक्षी हूँ। भाजपा की सरकार को प्रदेश में पुनः स्थापित करने व पूज्य महाराज जी का बुलडोजर को अनवरत जारी रखने के लिए आप सभी का सहयोग नितांत जरूरी है। मैं आप लोगों के बीच का ही रहने वाला हूँ। मेरा परिवार बाढ़ विस्थापित है। बाढ़ की कटान में सब कुछ गंवाने के बाद मेरे बाबा ने बलिया शहर में अपने परिवार की परवरिश के लिए शरण लिया। सुदृष्ट बाबा महाराज बाबा व खपड़िया बाबा की पावन धरती से मुझे चुनाव लड़ने को मिला। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप सभी की कृपा दृष्टि व आशीर्वाद मिला तो बैरिया विधानसभा को मॉडर्न विधानसभा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। करते हैं आप यहां से 363 बैरिया विधानसभा का टिकट दिया है। बैरिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिहार की जनता पार्टी है, मेरी माँ है और भारतीय जनता पार्टी में अपना जीवन समर्पित किया है। पार्टी ने जब जब जो भी निर्देश मुझे दिया है मैंने उसका पूरी तरीके से पालन किया है और मुझे सौभाग्य मिला है कि भारतवर्ष के सर्वाधिक लोकप्रिय कर्मठ तेजस्वी तपस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जनता के आशीर्वाद के कारण मुझे अपने राज्य मंत्री में विशेष रूप से संसदीय कार्य जैसा महत्वपूर्ण